दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक और पोएम आइस एंड फायर वो करेंगे। देखो, कोरोना फैल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप बाहर निकले तो मास्क वगैरह लगा के निकले और डिस्टेंस बनाए रखें, साथ में वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई वो लगवा लें टाइम से, है ना। तो ये सब काम करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, सब करना ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है ना। तो आज हम आइस एंड फायर पढ़ेंगे एडमिन स्पेंसर की। थोड़ा सा एडमिन स्पेंसर के बारे में जान लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट हमको। तो देखिए, एडमिन स्पेंसर 1552 to 1599, ये उनका लाइफ स्पेन था ना। तो एलिजाबेथन पीरियड के थे ये, और बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं इंग्लिश के, इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, कह सकते हैं एक तरीके से जो मॉडर्न या इराक के, जो कह सकते हैं एक तरह से मिडिवल टाइम से जो हम मॉडर्न इंग्लिश मानते हैं उस टाइम से एक्चुअल में सबसे जो पॉपुलर पोइट्स रहे हैं उनमें से एक काउंट करते हैं इनको, है ना। तो इन्होंने एक्चुअल में कई सारी चीज़ें करी। वैसे तो इनकी किताबों में देखा जाए, मतलब इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं द फेरी क्वीन, है ना, ये फेमस है। द शेपर्ड्स कैलेंडर इनकी पोएम पेस्ट्रल एक्लोइक्स है उसमें, है ना। साथ में आप मान सकते हो इनकी फेमस जो ये सोनेट्स का कलेक्शन है एमोरेटी, जिसकी एक ये भी पार्ट है आइस एंड फायर, है ना। तो वैसे तो इनकी कई सारी हैं, परंतु उसके लिए पढ़ समझने के लिए हमको एक सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ेगी। अभी हम बेसिकली ये बताते हैं आपको कि हाँ, इनकी जो एक्चुअल में जिन्होंने इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था ना, वो उस वक्त वो ये था कि इन्होंने जो राइटिंग स्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ लाए इंग्लिश में जो कि आगे फॉलो हुई। देखो, एक तो क्योंकि ये मिडिवल टाइम्स में थे उस वक्त, एलिजाबेथन पीरियड था जैसे मैंने बताया, 16 सेंचुरी का जो पीरियड था, उस वक्त लोगों को आर्किक इंग्लिश जो थी ना, यानी जो पुरानी इंग्लिश थी, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि क्लासिसिज्म वाला जो पीरियड, मतलब क्लासिसिज्म पीरियड के जो फीचर्स थे उनको ये लोग इग्नोर करने लग गए थे। आर्किक इंग्लिश को लोग इग्नोर करने लगे थे, आर्किक ईडियम्स को ये यूज करते थे, परंतु लोग जहाँ पर थोड़े मॉडर्न इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे थे, ये पुराने जमाने की मतलब मुहावरे और उनके जो वर्ड्स होते थे फ्रेजोलॉजी वगैरह वो इस्तेमाल करते थे अपनी पोइट्री में। तो ये इनका कुछ खास योगदान था। बाकी तो देखो, एक्चुअल में रेनिसा का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर था। रेनिसा पीरियड आप जानते हो, रेनिसा पीरियड में नई नई चीज़ें आई, मतलब हर फील्ड में ऑलमोस्ट पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं, नई चेतना जागृत हुई अलग अलग फील्ड्स में, तो लिटरेचर में भी था। तो रेनिसा पीरियड के ऊपर इनका, मतलब रेनिसा पीरियड का भी इनके ऊपर काफ़ी असर था। उस हिसाब से इन्होंने एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नए नए एलिमेंट्स लाने की कोशिश करी, नए नए टर्म्स बनाने लगे, ये अलग अलग भाषाओं से निकाल के इंग्लिश में डालते, मतलब उस तरह के टर्म्स यूज करते, ऐसे टर्म्स यूज करते जो इंग्लिश में जनरली यूज नहीं होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफी वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो उस तरह के पर्सन थे एडमंड स्पेंसर, मैंने जैसे बताया सबसे फेमस ये तो फेरी क्वीन के लिए है ना, फेरी क्वीन, ठीक है। साथ में शेपर्ड्स कैलेंडर, द शेपर्ड्स कैलेंडर, और अभी जो इनका हम पढ़ने वाले हैं आइस एंड फायर, जो कि सोनेट है, और ये है द एमोरेटी, एमो रेटी नाम से एक कह सकते हो आप सोनेट्स का कलेक्शन है, जो कि बेसिकली इन्होंने अपनी जो इनकी दूसरी वाइफ थी एलिजाबेथ बॉयल, उनसे जब कोर्टशिप की थी, यानी उनसे जब इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो उस दौरान कोर्टशिप के दौरान क्या क्या चीजें हुई है, मतलब जो भी चीजें थी उनसे रिलेटेड इन्होंने ये सोनेट्स लिखी हैं कई सारी। तो एमोरेटी में जनरली वही सोनेट्स हैं जो इन्होंने अपनी जो कोर्टशिप के दौरान जो फील किया है उसको फील करके इन्होंने जो सोनेट्स लिखी हैं उस दौरान जो फेस किया। तो ये जो आइस एंड फायर है ये सोनेट नंबर 30 है उसी की, एमोरेटी की जो पोएट्री कलेक्शन है, जो सोनेट कलेक्शन है उसके सोनेट नंबर 30 है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट इसका, कि माई लव इज लाइक ट्वाइस एंड आई टू फायर। देखो पहली लाइन ही कितनी सुंदर है, कि मेरा जो प्रेम है, प्रेम यहाँ प्रेम का मतलब, माई लव का मतलब इनकी बी लवर्ड के लिए है, कि इनकी जो बी लवर्ड है ना वो तो आइस की तरह है ठंडी बिल्कुल, एंड आई टू फायर, और मैं हूँ आग की तरह जलता हुआ। अब देखो पहली लाइन में ही आपको दिख जाएगी एक तो ये कि इन्होंने सिमिली यूज करी, क्या यूज करी है, सिमिली यूज की है कि मेरी प्रेमिका तो आइस की जैसी है और मैं हूं फायर के जैसा, लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, ठीक है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि बिकॉज उनकी जो प्रेमिका है जो एलिजाबेथ पोयल है वो उनको लगातार इग्नोर कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, उनको लव में मिल रहा है रिजेक्शन, क्या मिल रहा है, रिजेक्शन, रिजेक्शन मिल रहा है भाई, रिजेक्शन, लड़की उनको मना कर रही है लगातार, तो रिजेक्शन मिल रहा है। तो रिजेक्शन में वो बता रहे हैं कि आइस कैसे ठंडी होती है ना, सुन्न कर देने वाली, तो
प्रेमिका को तो आइस करके बता रही है, वो उनके लव की तरफ कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, मतलब रिजेक्ट मार रही है उनको। और मैं हूँ फायर की तरह कि मेरे अंदर पैशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं आग की तरह, है ना। यानी मैं लव में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ, मैं अपने एक तरीके से अफेयर में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ, उसे और ट्राई कर रहा हूँ मतलब बनाने की और कोशिश कर रहा हूँ, परंतु वो लगातार आइस की तरह है। तो देखो आगे उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट इज नॉट डिजॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिजायर। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, हाउ कम इट देन दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, कि उसकी जो ये ठंड है यानी जो ठंडा एटीट्यूड है, कहने का मतलब एक आप इसको जो भी चीज में समझाओ ना, इसमें दो तरीके से लेके चलना, एक तरफ आप आइस देखना कि आइस कैसी होती है, और एक तरफ इंसान का कोल्ड एटीट्यूड, ठंडा एटीट्यूड है ना, उस तरह से कि उसकी जो ये ठंड है ना वो इतनी महान कैसे हो गई कि इज नॉट डिजॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिजायर। जो मेरी जो डिजायर है, मेरा जो पैशन है, मेरी जो लगन है, वो इतनी हॉट है, मतलब मैं इतना पैशनेट हूँ, इतना जुनूनी हूँ कि मेरी डिजायर के सामने ये पिघल नहीं रही। यानी एक तरफ से मैं एक आग हूँ, वो एक फायर है, मतलब मैं वो एक आइस है, और मेरी आग जो इतनी हॉट है कि उसके सामने वो आइस पिघल ही नहीं रही। उसकी आइस की जो ठंड है वो इतनी ग्रेट कैसे हो गई, यानी उसका जो कोल्ड एटीट्यूड है वो इतना ग्रेट कैसे हो गया, इतना तगड़ा कैसे बन गया उसका एटीट्यूड कि मेरी डिजायर के सामने, मेरे प्रयासों के सामने, यानी मेरे प्रयासों की आग के सामने वो पिघल ही नहीं रहा, है ना। बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंट्री, बल्कि ये तो उल्टा हो रहा है, वो आइस और भी ज्यादा हार्डर हो रही है, यानी उसका एटीट्यूड और भी ज्यादा मेरी तरफ कोल्ड होता जा रहा है। मोर आई हर एंट्रीट, मैं जितना उसको रिझाने की कोशिश करता हूँ, जितना उसको अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, वो उतनी ही मेरी तरफ से मेरे से दूर जा रही है और हार्डर होती जा रही है। तो देखो ये पैराडॉक्स है, क्या है ये पैराडॉक्स। आप जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आग के सामने आइस पिघल जाएगी, ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये जनरल एक तरह से आप बोल से प्रोसेस है, परंतु हो क्या रहा है, आग के सामने आइस पिघल तो नहीं रही बल्कि और स्ट्रांग होती जा रही है। तो ये हो गया पैराडॉक्स। तो देखो और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज नॉट अलेड बाई हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड। अब देखो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि भाई साहब वो आइस जो है ना पिघलने की बजाय और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, हार्डर हो रही है, और दूसरी साइड दूसरा पैराडॉक्स कि हाउ कम्स कि ये कैसे हो रहा है, हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट कि जो मेरी बढ़ती हुई आग है इज नॉट अलेड बाई हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, वो मंद नहीं पड़ रही है उसकी हार्ट फ्रोजन कोल्ड, मतलब यानी दिल को जमा देने वाली ठंड, यानी कि लगातार मेरे को रिजेक्ट मार रही है, तो मुझे तो एक तरह से क्या हो जाना चाहिए था, अब तक डिस्करेज हो जाना चाहिए था, है ना, हतोत्साहित हो जाना चाहिए था, परंतु मेरे तो उत्साह की सीमा मतलब है ना वो पार होती जा रही है, मतलब मेरी तो प्रयासों की अग्नि बढ़ती जा रही है, मैं तो और ज्यादा जुनूनी होता जा रहा हूँ, मैं तो और ज्यादा पैशनेट होता जा रहा हूँ। यानी कि उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो कोल्ड एटीट्यूड है, उसके सामने तो मेरे प्रयास मतलब डिस्करेज हो जाना चाहिए था, मुझे अब तक हतोत्साहित हो जाना चाहिए था, आई शुड हैव डिस्करेज, आई शुड हैव लेफ्ट द मैटर, मुझे पूरा इशू को ही छोड़ देना चाहिए था, मुझे उसका पीछा करना ही छोड़ देना चाहिए था, मुझे उसे मनाना ही छोड़ देना चाहिए था, परंतु मैं मेरी जो अग्नि है, मेरे प्रयास है, वो तो ठंडे ही नहीं पड़ रहे। यानी दोनों पैराडॉक्स, एक तरफ हम देखते हैं अगर आइस बहुत स्ट्रांग है तो स्ट्रांग आइस आपको बुझा देगी, ठीक है, एक तरफ ये मानते हैं, परंतु हो क्या रहा है, ये स्ट्रांग आइस आपको और ज्यादा जला रही है। तो ये देखो यानी कि एक्सीडिंग हीट, यानी मेरी हीट जो है ना, मेरी जो आग है ना वो ठंडी नहीं पड़ रही इस कोल्ड के सामने, बल्कि हो क्या रहा है, बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट, परंतु हो क्या रहा है कि मैं और ज्यादा पसीने पसीने हो रहा हूँ, यानी मेरी अग्नि और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और मेरे प्रयासों से एक तरह से कहने का मतलब है बहुत ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ प्रेम के अंदर, यानी कि मेरे को और ज्यादा पसीना आ रहा है, कहने का मतलब मैं और ज्यादा पैशनेट होता जा रहा हूँ, बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट, यानी कि मैं और ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं डिस्करेज नहीं हो रहा अपने अफेयर में, मैं और ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ये आइस मुझे ठंडा नहीं कर पा रही है बल्कि और जला रही है। देखो एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, और बता रहा है क्वेश्चन, देखो मेरी प्रयासों की जो फ्लेम्स हैं, लपटें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, ऑगमेंटेड यानी बढ़ रही हैं, मैनीफोल्ड कई गुना बढ़ रही हैं, व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग, मतलब वो आप देखो इन पे क्वेश्चन पूछ जा रहा है, मतलब वो क्वेश्चन पूछ जा रहा है ऐसा कैसे हो रहा है, हर चीज वो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कैसे हो रहा है कि आग के सामने तो आइस पिघल जानी चाहिए परंतु और स्ट्रांग हो रही है, आइस के सामने आग बुझ जानी चाहिए परंतु वो और ज्यादा जल रही है, कैसे हो रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे होंगे ना। व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग मे बी टोल्ड, अब इससे ज्यादा चमत्कारी चीज और क्या बताई जाए आपको, मतलब दैट फायर विच ऑल थिंग्स मेल्ट, जो आग जो सब चीजों को पिघला देती है, शुड हार्डन आइस, जो कि आग बल्कि
आइस को और मजबूत कर रही है। मतलब इससे ज्यादा चमत्कार चीज मैं आपको क्या बताऊं कि जो आग सब चीजों को पिघला देती है, मेल्ट कर देती है, शुड हार्डन आइस, वो बल्कि बर्फ को क्या कर रही है, मजबूत बना रही है। एंड आइस, और जो आइस है विच इज कंसील्ड विद सेंसलेस कोल्ड, और जिसके अंदर छुपा हुआ है क्या, सेंसलेस कोल्ड यानी कि सुन्न कर देने वाली ठंड, बर्फ के अंदर सुन्न कर देने वाली ठंड छुपी हुई होती है। शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस, वो जबकि क्या कर रही है, वो आग को और ज्यादा जला रही है चमत्कारिक रूप से। वंडरफुल डिवाइस मतलब कैसे हो रहा है ये? ये एक्चुअल में रिटोरिकल क्वेश्चन है। क्या है रिटोरिकल क्वेश्चन? रिटोरिकल क्वेश्चन में होता क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन में हम लोग ये होते हैं कि मतलब क्वेश्चन नहीं होता वो, बेसिकली वो सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता है कि आपको लगेगा क्वेश्चन है परंतु उसके अंदर ही इसका आंसर होता है। देखो मैं आपसे बोलूँ, मान लो आपने कोई गलत काम किया है तो मैं आपको ताना मारते बोलूंगा ना, हाँ तुमने तो नहीं किया होगा, मतलब मैं पता है ना ये बोल रहा हूँ कि तुमने किया होगा, परंतु हाँ तुमने तो नहीं किया होगा। मैं ऐसे बहुत बार से बोलते हैं ना, हाँ तुम तो बहुत महान इंसान हो, मतलब महान नहीं है परंतु चिढ़ाके जो बोलते हैं, ये होता है रिटोरिकल क्वेश्चन कि हमारे मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछना, हाँ हाँ तुम तो महान, हाँ तुम तो महान सा हो, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा के, हाँ तुम तो काम नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, क्वेश्चन मार्क लगा के, बल्कि तुमने किया होगा इस तरह से। शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस, हाँ तो आग कहने का मतलब है कि शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस, की ये ठंड जो है इससे आग और ज्यादा जल रही है, मतलब क्या आग जलनी चाहिए और इस तरह से मतलब चमत्कार रूप से क्या ठंड से आग जलनी चाहिए? तो कहने का मतलब है कि नहीं जलनी चाहिए ना, बात तो यही है परंतु जल रही है। तो यह है रिटोरिकल क्वेश्चन कि हम एक तरह को क्वेश्चन कर रहे हैं परंतु क्वेश्चन नहीं कर रहे एक्चुअल में, वो एक तरह लैंग्वेज को और हाईलाइट करके दिखाने का तरीका होता है, वो होती है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल में होता है कि आप लैंग्वेज को और हाईलाइट कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, परंतु वो एक क्वेश्चन फॉर्म में नजर आती है, आंसर उसी के अंदर होता है कि शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस, क्या इस तरीके से ठंड से आग जलनी चाहिए, मतलब ये पूछना था क्या ठंड से आग जलनी चाहिए, नहीं जलनी चाहिए, पता है हमको नहीं जलनी चाहिए, उसको भी पता है राइटर को, परंतु जल रही है ना। सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड दैट इट कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, कि बताओ ये शक्ति है प्यार की। एंड मैसेज यही दे रहे हैं कि ये प्यार की शक्ति है कि भाई साहब जिसने प्रकृति के नियमों को ही ऑल्टर कर दिया है, बदल दिया है कोर्स ऑफ काइंड, जो नॉर्मली जो चीज जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है, उल्टी हो रही है। दैट्स द पैराडॉक्स इन द पोएम, है ना, कि ये प्यार की शक्ति है, ये मतलब बता रहे हैं वो कि प्रेम प्रेम की शक्ति है कि मेरे प्रेम के सामने, मेरे मैं प्रयासों के सामने वो मैडम बेचारी, मतलब बेचारी क्या मतलब, वो तो बिल्कुल ही रेस्पॉन्स नहीं दे रही, कोल्ड एटीट्यूड अपनाए हुए, परंतु उसके कोल्ड एटीट्यूड अपनाने के बावजूद भी वो इतनी कितने भी कोल्ड एटीट्यूड अपना ले, परंतु मेरी प्यार में शक्ति है कि मेरी आग चलती जा रही है, बुझ नहीं रही, मैं डिस्करेज नहीं हो रहा हूं। समझ गए क्या है इसमें? अब देखो वैसे तो मैं जब आपको इसका क्रिटिकल एप्रिशन की वीडियो होगा होगी ना, उसमें बताऊंगा क्या क्या इसमें डिवाइसेज यूज किए, जैसे सिंबली बता दिया, पैराडॉक्स बता दिया, तो कुछ नॉर्मल चीजें मैंने बता दी, बाकी बाकी मैं क्रिटिकल एप्रिशन वाली पोर्शन जो पोएम होगी ना उसमें समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी और बाकी डिवाइसेज यूज हुई है। ठीक है, तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।